मैं आपको क्या बताऊं, फैमिली की बेटा कब करेगी शादी? नहीं मैंने तो बोल दिया मामा मैं 40 साल की होंगी तब शादी करूंगी, तो मम्मी ने बोल दिया ठीक है बेटा सीधा बोल देना कि हम तेरी शादी की उम्मीद छोड़ दें, ऐसा सब क्यों बोल रही है। बट यू नो ये सब चीज़ प्लान करके नहीं होती है, जब आपके जीवन में वो राइट पर्सन आ जाए तब अपने आप सब चीज़ अपनी अपने आप जगह पर पड़ जाती है और शादी हो जाती है। मतलब अमरपाली दुबे लव मैरिज करना चाह रही है? ठीक है 110% लव मैरिज करना चाह रही हूँ, वो भी प्यार जिंदगी में नहीं आया? नहीं एक्चुअली मेरी जो एक्सपेक्टेशन है जो जिस टाइप का दूल्हा मुझे चाहिए, जैसे हर लड़की को बचपन से हाँ सब देखें किस टाइप का दूल्हा चाहिए अमरपाली दुबे को, मुझे सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है सिर्फ एक क्वालिटी, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगी, मैं कमा लूँगी, मैं घर चला लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, मुझे सिर्फ एक क्वालिटी का आदमी चाहिए कि वो ईमानदार होना चाहिए। ये कहाँ मिलेगा? वही चाहिए तो जब मिलेगा तब होगी, अब नहीं मिलेगा तो नहीं होगी, बस ईमानदार होना चाहिए और औरतों की इज्जत करे, मेरी इज्जत करे, ऐसा भी अच्छा रहा, कॉलेज लाइफ भी अच्छा रहा, मुंबई जैसे शहर में रही, जिस कोई तो होता है क्रश अट्रैक्शन प्यार। मैं बता रही हूँ ना मैं तो बहुत फिल्मी, इतनी फिल्मी कि शाहरुख खान की मूवी देख के, मोहब्बतें और वो दिल पागल देख के, कोई तो होगा जो आएगा। ये जो बारिश का मौसम अभी जो चल रहा है, रेनी सीजन, मुंबई की बारिश को सबसे रोमांटिक वेदर माना जाता है, बोलते हैं अरे मुंबई की बारिश में तो लोगों को प्यार हो जाता है, मुझे इतनी घटिया लगती है मुंबई की बारिश, क्योंकि मैं स्कूल में एक लड़के को बड़ा पसंद करती थी, उसका नाम नहीं लूँगी, मेरा दोस्त है और उसकी अभी एक गर्लफ्रेंड है बहुत अच्छी और बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो उसका नाम लूँगी तो बेचारा बहुत पिटाएगा तो इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो हम लोग एक क्लास में साथ में थे एक साल तक, तो उस एक साल में मुझे बड़ा पसंद आ गया वो, और मैं सोचती थी मैं उसी से शादी करूँगी, और मैं उसे बोलती थी पागल है क्या हटना, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, ये फोर्थ स्टैंडर्ड की बात बता रही हूँ। अब मुझे बारिश से नफरत क्यों है, जब फोर्थ स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ मेरा, समर वेकेशन शुरू हुए, तो समर वेकेशन तक तो ठीक था, मामा के घर जाना था ये वो सब, जब समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद वापस फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्कूल जाना था, तब मुझे सदमा लगा और पता चला कि वो लड़का मेरे क्लास में अब नहीं है। क्यों? फेल हो गया? नहीं मेरे डिविजन में नहीं था वो, मैं ए में थी वो बी में था, और अब तो मुझे हाँ और अब मुझे क्लास इतना बुरा और सुनसान और खाली खाली लगने लगा, और उसी में बारिश होती थी, नया नया स्कूल चालू था, तो मुझे बारिश से नफरत हो गई थी कि ये बारिश आ रही है और इसी टाइम पे मैं सैड हूँ, मेरा दोस्त मेरे पास है नहीं, तब से मुझे बारिश से नफरत हो चुकी है। अब मुझे सैड सॉन्ग भी आता है, देखा जाए तो बारिश में फिल्म आ जाता है, कहीं ना कहीं आपसे कहीं इंस्पायर हुए होंगे। हाँ हो सकता है, या किसी ने मेरी तरह ही स्कूल के टाइम पे पसंद कर लिया होगा किसी को और उसका क्लास बदल गया होगा। नहीं उतना उतनी वही तो उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी मैं, होमवर्क कंप्लीट करने में ज़्यादा परेशान थी। लव स्टोरी कौन कंप्लीट करता है, इधर होमवर्क करना।